विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भोगर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधि देव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, जिस पवित्र भूमि पर माँ छत्तीसगढ़िया महातारी की गोद में बैठकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जो निरंतर पवित्र कथा का लाभ प्रत्येक स्थान पर लेती हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ हुआ। छत्तीसगढ़ वालों को ये गर्व होना चाहिए कि पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नी चार दिन, पांच दिन, सात दिन कथा में बैठी हुई मिलती है। पुराने इतिहास को उठाकर देख लेना कि किसी भी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी किसी कथा में जाकर नहीं बैठी, गई हैं तो 10 मिनट जाकर व्यासपीठ का पूजन करा और चल दी हैं, पर पूरी पूरी कथा एक साधारण श्रोता की तरह बैठकर सुने हो, उसके लिए साधुवाद है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और केवल हम छत्तीसगढ़ के ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ का नहीं कहेंगे, पूरे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी भी धर्मपत्नी की लिस्ट उठाकर देख लो, वो भी कभी कथा में आपको पाँच दिन, सात दिन नहीं मिलेगा। पर भगवान शिव की कथा सुनकर अपने जीवन को एक प्रेरणा दे रही है कि आप कितने भी बड़े अहदे पर पहुँच जाओ, कितने बड़े विपद पर पहुँच जाओ, पर भगवान की शरणागति कभी मत छोड़ो। ये प्रेरणा इनसे मिलती है। महाराज, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, जिनके अथक प्रयास से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा चार दिन के अंदर, केवल चार से पाँच दिन मिले थे और उसमें व्यवस्था करना, और व्यवस्था के साथ में इतनी बड़ी व्यवस्था कर ये पावन कथा कराना, दया सिंह जी बहुत बहुत साधुवाद है। आपकी बोलबम सेवा कल्याण समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो पूरी समिति इतनी जागरूकता से इस कथा को करवाई। बहुत कठिन होता है, चार दिन में तो लोग ब्याह की व्यवस्था नहीं कर पाते, शादी की व्यवस्था नहीं कर पाते, पर ये लाखों भक्त, शायद आस्था चैनल के कैमरे में भी लोग नहीं आ पा रहे होंगे, इतने भक्त पूरे चारों तरफ पूरे ग्राउंड में भरे पड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो इस सावन के महीने में आपने इन भक्तों को, दुनिया कोई भंडारा लगाती है, कोई कुछ कराती है, कोई कुछ कराती है, पर ये शिव पुराण का भंडारा आपने लगाकर इन लोगों को खूब पिला दिया, खूब करा, साधुता है। कथा मंडप में ही विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और किसी न किसी रूप में भगवान शिव को अपने हृदय में बिठा रहे हैं,
एक दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप। आप यदि अपने आप को कमजोर समझ रहे हो कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे बड़ा पाप कर बैठे। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। रोग से ग्रसित भी हो गए हो तो भी अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बड़ी बीमारी भी लग गई है तो अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बहुत बड़ा टेंशन यदि आपके माथे पर आकर बैठ गया है तो भी अपने को कमजोर नहीं समझो। अपने आप को हम कमजोर क्यों समझे? विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराता है भोलेनाथ उसका साथ हमेशा देता है, हमेशा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपनी आपको कमजोर समझना। आप अपने आप को जिस दिन कमजोर समझना चालू कर लें तो समझ लेना कि आप पापी हो गए। हम अपने आप को कमजोर क्यों समझे? घर में कई बुजुर्ग माताएं ऐसी रहती हैं, कई बुजुर्ग पिता ऐसे रहते हैं, कई भाई मेरी जीजियां मेरे जीजा लोग ऐसे रहते हैं, कई बेटी बेटा ऐसे रहते हैं जो कहते हैं अब तो हमारा समय आ गया, अब हमारे बस का कुछ नहीं। मतलब अपने आप को तुम कमजोर समझ रहे हो। हम पूरे भिलाई वासियों से एक बात पूछना चाहते हैं, जितने लोग कथा में बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे सभी लोग? बोलो, जम के बोलो जरा, पक्का? घर में आपको सबेरे जल्दी उठना है, कहीं जाना है, कोई कार्य करना है, आपको जल्दी उठना है, तो आपने अलार्म लगाया, मान लो 4 बजे का लगाया या 5 बजे का लगाया या 3:30 बजे का लगाया। आप जितनी देर का, जितने समय का अलार्म लगाते हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, दिल से बोलना कि तुमने 3:30 का अलार्म लगाया, तुमने 4 बजे का अलार्म लगाया, पर सत्य बताओ, अलार्म तो बाद में बजता है, पहले आपकी नींद खुल जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जैसे आपने सोचा कि मुझे 4 बजे का अलार्म लगाया है, मैंने 4 बजे का घड़ी लगाई है, 4 बजे का क्लॉक वॉच लगाया है कि बस इतनी बजे वो 4 बजे बजेगा, टुक 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 बजता रहेगा। कितनी बजे बजेगा वो? बोलो बोलो जम के, 4 बजे। अब अलार्म तुमने 4 बजे का लगाया, उठ गए तुम 3:30 पे, नींद बार बार खुल रही है, घड़ी देख रही, 4 तो नहीं बज गई, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर नींद खुली, 3:30 बज गई, फिर नींद खुली, 4:45 हो गया, अभी 10 मिनट और सो लेती हूँ, फिर 4 बजे। अलार्म तो बाद में बजाया, उससे पहले तुम्हारी नींद खुल चुकी। बोलो मेरी छत्तीसगढ़ की चीजें सही है कि गलत है? अब तुमने अलार्म भर लिया 4 बजे का, और उठ कितनी बजे रहे हो? 3:30, 4:30, 4:30, अलार्म भरा 5 बजे का, उठ कितनी बजे रहे हो? तो उठने का समय तुम्हारा जल्दी हो गया। अलार्म तुमने 4 बजे का भरा है, अलार्म तुमने 5 बजे का भरा, परंतु तुम जल्दी उठ गए। अब जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं और जितने मेरे बहन बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, आपने भी अपने दिल में एक अलार्म बनाकर रख लिया। कौन सा अलार्म? जरा सा पेट दुखा और तुमने अलार्म बना लिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, कहीं मुझे कहीं गठान तो नहीं होगी, कहीं मुझे रोग तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। जरा सा छाती में दर्द हुआ, तुमने अलार्म बनाकर रख लिया कि मेरे कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे हार्ट में कमजोरी तो नहीं होगी, थोड़ी सी चलने में हाफड़ी भराई तो तुम्हें लग गया कि मुझे कहीं दमे की बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। याद रखना, 4 बजे का अलार्म लगाया तो 3:30 बजे नींद खुल जाती है। उसी तरह तुम जो दिन भर सोचते हो कि मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो वो चीज तुम्हारे सामने हो ही जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। कभी कमजोर मत समझो, हमेशा अपने आप को बलवान समझो। पेट दुखा, तुरंत तुमने सोच लिया कि कोई मेरे पेट में तकलीफ हो गई। छाती दुखी, मेरे को तकलीफ हो गई। सिर दुखा, मेरे को तकलीफ हो गई। आंखों में प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है, प्रकृति है, चलता रहता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे रोग तुमको ही हो जाएंगे, सारी बीमारी तुमको ही हो जाएगी, पर तुमने सोच लिया। जांच कराने जा रही हो ना, तो सबसे पहले सोच के जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी के चांस ना हो जाए। मतलब तुमने वो घड़ी भर ली है, तुमने वो अलार्म भर लिया। पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था, पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था 100 साल का, 100 साल तक जिंदा रहूंगा,
सौ साल का अलार्म भरकर बैठता था कि मैं सौ साल तक जीऊंगा, खूब खाता पीता मौज करता, जाता खेत में काम करता, अपनी फसल लगाता, अपने काम में लग रहा था, अपना गाय भैल भैंस जो भी पालना पालता। उसने अलार्म लगाया कि मैं सौ साल तक जीऊंगा, तो कम से कम वो 95 साल तक, 90 साल तक, 98 साल तक, 97 साल तक जीवित रहता था। आज का व्यक्ति 60 साल में अंदाजा लगा लेता है कि अब तो मेरे शरीर से नहीं बन रहा, अब तो मेरे को जाना है, तो मालूम पड़े 55 में ही अटैक आता है, निपट जाता है। तुमने अलार्म लगा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझे। क्यों कमजोर समझे? आप अपने आप को इतना प्रबल समझिए, आप अपने आप को इतना बोल्ड समझिए कि आपको लगे अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो मैं निपट लूंगी, मैं निपट लूंगा। बोलबम का नारा है, आ गई अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आई, थोड़ी बहुत अगर कष्ट आया तो है बाबा बेटा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, देखा जाएगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर। आप कमजोर क्यों समझे? आप हिम्मत क्यों हारे? कई माताएं कह देती है हमने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने दो बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने तीन बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और हमने हमारे बाबा नहीं सुन रहा। आपने हिम्मत हार ली, आप अपने आप को हिम्मत हार गए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू, डीले कम करो, रामनगर भिलाई की निवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। अच्छा, जहाँ भी बैठे हो हाथ हिला दो और आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू है, रामनगर भिलाई, मोबाइल नंबर मेरा ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, 2023 मई में अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गई, 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, सेक्टर नंबर 2 हॉस्पिटल में भर्ती थी, सोनोग्राफी MRI में पता चला कि लीवर में 9 mm का एक गठान और कैंसर हो गया। गठान होती ना गुरुजी तो दुख नहीं होता, पर साथ में कैंसर हो गया। उसके बाद मेरे पति ने सारे हॉस्पिटलों में जांच कराया तो मालूम पड़ा कि वो कैंसर की बीमारी है और ज़्यादा ही तकलीफ है, ज्यादा समय के जीवित नहीं। शिवजी पे मेरे पति ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाकर मुझे पिलाना चालू करा, बेलपत्र मुझे देना चालू करा। डॉक्टर का भी इलाज, जैसे आप कहते हो ना कि डॉक्टर शिव का रूप है तो डॉक्टर का भी इलाज चलने दो, डॉक्टर का इलाज जरूर करो। हमने डॉक्टर का भी इलाज करा, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, पर डॉक्टर का कहना था कि इसका ऑपरेशन सफल हो ना हो वो पता नहीं, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो उस ईश्वर पर भरोसा, मेरे पति ने भी आपकी कथा पर भरोसा करा और मैंने भी आपकी कथा पर भरोसा करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते उस पानी को शिवजी को चढ़ाकर पीना चालू करा। करते करते 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जो 9 mm की कैंसर की गांठ थी वो 5 mm की हो गई थी। गुरुदेव, जब 5 mm की गांठ हो गई तो डॉक्टर ने भी पूछा कि तुमको कौन सी दवाई लग रही है। हमने डॉक्टर से कहा हम बेलपत्र खा रहे हैं, रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयाँ फिर दी और फिर वापिस हमने वही जल को पीना प्रारंभ करा जो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा कैंसर बड़ा विचित्र है लीवर पर, तो जब विचार करा तब वापस उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से आज सारी दवाइयां बंद है, केवल बेलपत्री और रुद्राक्ष का जल पीती हूं और डॉक्टर ने सब दवाइयां बंद कर दी, मेरा शरीर ठीक है और मेरा कैंसर समाप्त। मैं शिव को प्रणाम करती हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
तया करी दर्शन। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत हो, हम तो कहते हैं जैसे ये कथा बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी इस कथा को आयोजित किए हैं, अमलेश्वर में कथा हुई, साहू जी खंडेलवाल जी आयोजित किए, इस 6 नंबर सेक्टर में पहले कथा हुई, विनोद सिंह जी इस कथा को कराए थे, फिर एक कथा और हुई थी भिलाई में जो एक समिति ने कराई थी, ऐसे कई हम कहेंगे कि जो कथा के आयोजक होते हैं ना, जो कथा करवाते हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम आपके कराई हुई कथा से ना जाने कितनों की बीमारियां और कितनों के दुख और कितनों के कष्ट ठीक हो जाते हैं। थोड़ा मेहनत तो आपकी लगती है पर आपके परिश्रम से ना जाने कितनों को लाभ मिलता है, कितनों को। शिव तत्व की प्राप्ति है, शिव महापुराण की कथा, भगवान ओगड़दानी की कथा, भगवान शंकर की कथा। हिम्मत ना हारे, इस बहन ने एक बात लिखी कि मेरे पति और मैं शिव पर से भरोसा समाप्त नहीं करें, करेगा तो वही करेगा, शिव पर से हमने भरोसा समाप्त नहीं करा, करेगा तो वही करेगा, करेगा तो वो घड़तानी ही करेगा, करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही करेगा। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमने प्रबल रखा, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ना मैं कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर, हॉस्पिटल में सिस्टर भी हैं, कह रही हैं कि बाबा ने मेरे को इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं वापस हॉस्पिटल में काम करने लगी और मैं स्वस्थ हूँ। ये शिव तत्व है। परसों कौन अतिथि आए उनका लिख खिला दीजिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, त्रिकालदर्शी है। हमारे भीतर एक विश्वास को हमें पैदा करना है, हमारे भीतर एक भरोसे को हमें दृढ़ करना, एक विश्वास को दृढ़ करना। फिर निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पार्वती मैया जब बाल्यावस्था की थी तब साधना में माता पार्वती जी डूबी रही, सप्तऋषियों ने जाकर समझाया माता पार्वती जी को कि शिव तुम्हें नहीं मिल सकते, भगवान शंकर तुम्हें नहीं मिल सकते, बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की बहुत, और पार्वती जी की बारंबार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, पर माता पार्वती जी हिम्मत नहीं हारी। पार्वती जी खुद को कमजोर नहीं समझी, उनको मालूम था कि अगर मैं शंकर को जप रही हूं, मैं शिव को भज रही हूं, मैं भगवान शंकर का गुणगान कर रही हूं, मैं शिव तत्व को जान रही हूं, तो ये पार्वती जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था कि मुझे शिव मिलेंगे, जब मुझे ओगड़दानी मिलेगा, मुझे मेरा महादेव मिलेगा। और ध्यान दें, शिव को पाने की ललकता आपके भीतर होना चाहिए। हम फिर निवेदन करेंगे कि अपने भीतर एक ऐसा तत्व, अपने भीतर ऐसा समर्पण, अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर ऐसा समाहित कर लो कि एक ना एक दिन ऐसा आए कि मेरा शिव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे को दर्शन देकर जाए। इतना अपने आप में बल उत्पन्न करो। और हो सकता है, हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है, चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा, अरे हम के तो बोलो चीटा ना,
चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है, और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, 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 धीरे 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 चीटे में पंख आ जाते हैं। देखें आप लोगों ने चीटे में पंख, चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं, चीटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चीटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है, और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ाते, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। चीटे में पंख नहीं होते पर धीरे धीरे वो कर्म करता गया, कर्म करता गया, करता गया, और उसमें पंख लग गए, कर्म करता गया और उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे, जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए। एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा मेरा भोलेनाथ भी आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक तो रहो, आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचें कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उड़ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कहती है कि आप अपने कर्म में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। हमारे बीच में माननीय पवन साई जी भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से एवं माननीय नंदन जैन जी भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन से आए हैं। आप दोनों पधारे व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, पधारिए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक चीटे में भी पंख आ सकते हैं, बस उसमें कर्म की लगनता होना चाहिए। एक अपनी कर्म की लगन का प्रबल होना चाहिए, और जब हमारे कर्म की लगन का प्रबल होगी तो हम अग्रणता की ओर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। पर हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते, हम उसको सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं, शिव कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। हम क्यों कमजोर समझते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छटीला में कटी जावांगी, भोले मेरे पतन शंभू मेरे पतन। माता पार्वती जी ने अपना तप किया, अपनी साधना करी, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आप अपना लक्ष्य क्यों छोड़ते? लगे रहो, थोड़ा समय लगेगा, सुनेगा। एक पत्र है, मैं राजकुमारी यादव, पति श्री शांतिलाल यादव, पोरिया कला, पुरानी बस्ती, वार्ड नंबर 54, दुर्ग की निवासी हूँ। आप ही हैं श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करवा जाओ, दिल पत्र लेकर चले गए। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी? मेरी भतीजी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल से उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारी भतीजी को लेकर नहीं गए, और 17 साल उसको हमने हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट पेपर भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने हमारी भतीजी को पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया और उसको सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी भतीजी ने 3 बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया, 4थी बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी भतीजी ने सोच लिया कि मैं पशुपति व्रत भी नहीं करूंगी, अब मैं शिव को नहीं मानूंगी। तब उसके पति स्वयं कहे कि तू 1 बार और कर, वो सियोर वाला महाराज कहता हिम्मत मत हारना, बाबा देगा जरूर। 5वीं बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से 15/7/2024 को मेरी भतीजी के 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति।
जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ, फोटो को आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। 17 साल बाद मेरे भतीजी के यहाँ संतान की प्राप्ति, अर्थात वही कथा जो अभी चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो अपने आप को कमजोर समझ। हम हिम्मत क्यों हारे? क्यों हिम्मत हारे? आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हो? कौन कौन ने करा? जरा हाथ उठाओ तो। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी रहो। कितने लोगों ने पशुपति व्रत कराया? बहुत बढ़िया, रख लो रख लो। कई व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एक व्रत, दो व्रत, तीन व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ। टीवी पर महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपतिनाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा। जाए फिर विश्वास। कल हम जब मिल रहे थे दया सिंह जी, कल जब सबसे मिला रहे थे तो वहां पर एक पत्र एक बेटी ने दिया, एक पत्र। उस पत्र को तो हम यहाँ लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं, उसने उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई, हम उस गांव में जहां हम रहते हैं वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय, पूर्व की बात बता रहे हैं गुरुजी, जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चाहूँ। अब मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थीं जो हमारे गांव में हम भगवान को बजते थे, भगवान को मानते थे, पर हम शिव को भी नहीं जानते थे, हम तो केवल भगवान को मानते थे कि भगवान को मानना, हमारे गांव की बात बता रहे हैं गुरुजी। बाकी के सब यहां वहां जाने लगे और धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। और ऐसा नहीं गुरुजी कि कोई साधारण लोग हों और वो मंदिर छोड़ दिए हों, बहुत बड़े बड़े लोग मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाने। गुरुदेव, आपकी कथा सुनने के बाद में हमने, हमारे पास में पत्थर का शिवलिंग नहीं था, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं था, हमने कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर तैयार करा और उसी की हमने जलाधारी बनाकर तैयार करी और उसको हमने एक वृक्ष के नीचे रख दिया और हम रोज शिव जी के मंदिर जाना, शंकर को जल चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे उस मंदिर में नंदी नहीं, उसने उसका फोटो भी लगाया, उस शंकर का कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर, कंक्रीट की जलाधारी बनाकर उस पे हमने कलर पोत दिया और हम जाना चालू कर दिया। गुरु जी, हमने आपकी कथा को टीवी पर लगाकर उसकी आवाज तेज कर हमने बाहर लोगों को, जाते आते लोगों को सुनाना चालू करी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि वो पेड़ के नीचे का जो कंक्रीट सीमेंट का शिवलिंग है वहां पर भी लोगों की भीड़ होने लगी और लोग अब अपने धर्म की ओर मुड़ने लगे। ये आपकी प्रबलता, ये आपकी प्रबलता, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है। अब उसने पत्र जो लिखा, उस पत्र में ये सब चीज तो अपनी जगह पर है, उस पत्र में उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी, हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है, अब आप हमें ये बताएं कि हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? अब मैं उस जीजी को एक बात कहना चाहता हूं, आपके मन में भी यह प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? पहले तो मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहां शंकर का शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे यहां शंकर का शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ा, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी हैं, आपको भी कहूँगा और
पीछे के जितनी समितियां पूर्व की भी हुई हैं और आसपास अमलेश्वर और हमारे क्षेत्र में जहां जहां हमने कथा करी है, एक ऐसा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए कि अगर किसी ग्रामीण में भी अगर शिवलिंग की जरूरत हो तो ओमकारेश्वर से या ममलेश्वर से या नर्मदा के तट से एक कंकर का भले छोटा सा शिवलिंग लाकर दिया जाए, जिससे वो गांव में पूजन होने लगे, उस गांव के आनंद। हम दया सिंह जी आपको भी कहेंगे ये आने वाले समय में इस चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए, और जितने प्रयास बनेगा हमसे भी शरीर के द्वारा जितना प्रयास बनेगा, जितने शिवलिंग हम भेज सकते हैं उतने शिवलिंग हम भेजते हैं, बहुत प्रयास करेंगे जिससे गांव गांव में आज लोग जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना प्रारंभ करें, ऐसा प्रयास किया साधु था बहुत। अब प्रश्न यहां गया कि वो सीमेंट का वो कॉन्क्रीट का शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, वो कॉन्क्रीट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो कॉन्क्रीट के उस सीमेंट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं तो क्या हमें वो पुण्य मिल सकता है? तो मेरा उस जी से निवेदन है, एक बहुत सुंदर कथा हमारी शिव महापुराण में आती है, एक बहुत सुंदर कथा हमारे यहां हमें सुनने को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिएगा। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा भानु नाम था, पिता थे नहीं, मां अकेले, पिता नहीं है, अकेली मां है और वेधव्य मां अकेली, भानु का पालन पोषण कर रही है, खूब अच्छे से उसको रख रही है, खूब अच्छे से उसको खिला रही पिला रही, जितना बन सकता है उससे बात करती है। सुंदर दृष्टांत है, वो बेटी अगर यहां बैठकर कथा सुन रही हो या टीवी पर कथा सुन रही हो कि कॉन्क्रीट के शिवलिंग को हमने बना दिया और पूरा गांव वहां जाना चालू कर दिया तो क्या उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको हमारे खाते में पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा, वो बात मूल है। हमारे पास शिवलिंग नहीं था तो हमने वो कॉन्क्रीट का बना दिया तो उसका पुण्य है कि नहीं उसके लिए। भानु, भानु की मां उसका पालन पोषण कर रही है, घर में इतना वैभव नहीं है, घर में इतना धन। एक बात आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर में धन की कमी होगी ना जल जाएगी, धन की कमी होगी तो बच्चा बचपन में रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा कपड़े के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा गाड़ी के लिए रोएगा। अगर तुम्हारे घर में धन की कमी है ना चलेगा, पर तुम्हारे घर में संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। घर में अगर धन की कमी है तो चल जाएगा, दो रोटी कम खाओगे, रूखी खाओगे, सूखी खाओगे, चल जाएगा, बचपन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, पर संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संस्कार समाप्त हो गया तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, जिंदगी भर, जिंदगी भर चलेगा, धन की कमी चलेगी पर संस्कारों की कमी ना हो। संस्कार और जितना बन सकता है अपने संस्कारों में कोई कमी ना। भानु, भानु की मां भले धन में कमी थी पर संस्कारों में कमी नहीं रखी भानु की। एक दिन भानु ने अपनी मां से पूछा, मां मां सबके घर में खूब सारा सी ठाठ है पर हमारे घर में कुछ नहीं है। मां के मुख से निकल गया, जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ भी दे देगा, जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ दे देगा। 5 वर्ष का भानु जहां भी खेलने बैठता है, जहां भी खेलता है, खेलते खेलते मिट्टी को उठाकर, धूल को उठाकर, जो जमीन पर खेलता है तो वहां की मिट्टी को ऐसा इकट्ठा करता है, शिवलिंग बनाता है, जलाधारी बनाता है, पेड़ पत्ती का पत्तियां तोड़ता है वृक्षों से, उसके ऊपर चढ़ा देता है, थोड़ी देर बाद भानु उसको मिटा देता है, फिर कहीं खेलता है मिट्टी में गया, मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, पत्तियां तोड़ता है, शिवजी पे चढ़ा देता है, उसको मिटा देता है, 4 छोटी छोटी डंडियां लाकर खड़ी करता है, उस पे झोपड़ी बनाता है, उसके अंदर एक मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, उस पे पत्तियां लाता है, तोड़कर चढ़ा देता है। यह केवल भानु की कथा नहीं, ये आपकी और हमारी भी कथा है। बचपन में कई बेटियां, बचपन में कई बेटे, बचपन में छोटे छोटे लड़के, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, गुरुवार आता है, ऐसे कई दिन, कोई शिवरात्रि, कोई सावन का महीना आता है, छोटे छोटे बच्चे डंडियां लाते हैं तोड़कर, छोटी छोटी डंडियां तैयार करकर उस पे छप्पर डालकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, उसका श्रृंगार कर देते हैं, उसके ऊपर पत्ता पत्ती लाकर चढ़ा देते हैं। कई लोग हंसते हैं, बताओ कैसा मूर्ख है, कैसे इसमें अकल नहीं है, छोटा सा बच्चा है, इसने ऐसा कर लिया, घर के अंदर वो भगवान की पूजन करता है, छोटा सा बच्चा। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ छत्तीसगढ़ की जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन में जरूर मिट्टी उठाई होगी, उसको ऐसा करा होगा, आटे की लोई उठाई होगी, लोई को उठा के ऐसा ऐसा करके शिवलिंग बना लिया होगा, आटे की लोई का, चावल बनाया होगा तो चावल का। बोलो बोलो सही है कि गलत है? बचपन में खेलते समय मिट्टी का, धूल का, पत्थर का, आटे का, जो मिल जाता था उसका हम शिवलिंग कई बार बना लेते थे। कितना सुंदर कहा इस दृष्टांत के अंदर कि भानु मिट्टी का शिवलिंग बनाता, मिटा देता, जो मिल जाता उसको, धूल मिल जाती, धूल का बनाता, मिटा देता। शिव महापुराण की कथा कहती है भूल वश भी, भूल से भी, भूल से। कितना सुंदर कहा, कई बार बादल देखते हैं ना, बादल कई बार बादल देखते हैं तो बादल में भी शिवलिंग का दर्शन होता है कई बार,
वहां शिवलिंग आया नहीं है, वहां शिवलिंग आया नहीं है, पर बादल देख रहे हो और दूसरे भी देख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, पर आपको बादल में ऐसा लग रहा है कि ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, ये सामने नंदी है, ये शंकर है, ये पार्वती है, बादल में भी आपको शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। कई बार पानी में, कई बार शिवलिंग में, कई बार वृक्ष में, कई बार बेलपत्री की पत्ती में भी शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाता है, कई बार फूल में शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। क्यों, किस लिए, किस भाव से? तो हमारे यहाँ दृष्टांत सागर कहता है, अगर तुम्हारी नेत्रों से तुम्हें बादल में, जल में, थल में, पाषाण में, मिट्टी में, धूल में भी, अगर भूल से भी तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है या दर्शन करा है, तो तुम्हें तुम्हारे खाते में एक शिवलिंग के निर्माण का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है और उसका फल तुम्हें मृत्यु के पहले प्राप्त जरूर होता है, वो मिलता जरूर। अब बादल में शिवलिंग बना, बादल में धुएं से, भाप से शिवलिंग का दर्शन हुआ, तो यहां शिवलिंग बना नहीं है, यह आपकी दृष्टि में, आपके मन में शिवलिंग समाया था, तो आपने उसको शिवलिंग बनाया, वो देख कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने जलाधारी है, ऐसा लग रहा है ना सामने शिवलिंग है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने शंकर है, मतलब तुमने अपने दिल से बादल में भी शिवलिंग बनाया है, मतलब एक शिवलिंग बनाने का पुण्य तेरे खाते में जा चुका है। तुमने बेलपत्र में दर्शन करा, देखो ऐसा लग रहा है ना ये जलाधारी है, ये शिव है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने बेलपत्र में भी शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग का पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। केवल एक मिट्टी का बनाया, पाषाण का बनाया या कोई चीज का बनाया, ये हमारे खाते में पहुंच गया, एक शिवलिंग भले तुमने दिल से, मन से, भाव से बनाया, पर बोल निर्माण अपने दिल से किया गया। महाराज कितना सुंदर कहा किसी ने कि आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए तो जिंदगी सार्थक हो सके। आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन तो बहुत बढ़ गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया, और मालूम पड़े बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, बेटी गलत संगत में पड़ी, बेटा गलत संगत में पड़ा, परिवार गलत संगत में पड़ा। हम पहले भी एक बार कथा में कहे थे, आज फिर कहते हैं, कुत्ता पाला तुमने, किसने पाला, तुमने, कुत्ते को चैन बांधी तुमने, कुत्ते को पट्टा बांधा तुमने, कुत्ते को भोजन कराया तुमने, कुत्ते को स्नान कराया तुमने, कुत्ते को इत्र लगाया तुमने, कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाया तुमने, कुत्ते को घुमाने ले गए तुम, कुत्ते से प्रेम करा तुमने, और जरा विचार करिए तुम्हारा ही पालतू कुत्ता एक दिन तुम कोई काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा? तुम्हारा ही पालतू कुत्ता तुम्हें काट खाए, अच्छा नहीं लगता? उसी तरह धन कमाया तुमने, पैसा कमाया तुमने, दिन रात एक करा तुमने, पैसे के लिए पूरी जिंदगी तोड़े तुम, कमा कमा के लाए तुम, और वही पैसा घर में आया, और तुम्हारा बेटा मदिरा पान में, तुम्हारा पति मदिरा पान में, जुए में, बेशबर्ती में, गलत काम में अगर लग गया, तो जरा विचार करो कि तुम्हारा कुत्ता ही पालतू तुमको काट गया, तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट गया। जरा विचार करिए, तुम्हारे कमाए धन को अगर तुम बेशबर्ती में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम जुए में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम मदिरा में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम गलत जगह पर लगा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट रहा है। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे ये अच्छी बात नहीं है। अपन ने कमाया, काय के लिए कमाया था? ईश्वर राम की जिंदगी के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन बहुत है, खूब पैसा है, एक भाई उधर एक भाई इधर, घर में खूब पैसा है, जेठानी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही, देवरानी बोली नहीं रही, ननंद आती तो मुंह फूला रहता, नंदो आते तो आंस लेकर आते कि कहीं मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास दिन भर अपने काम में लगी है, माँ अपने मोबाइल में लगी है, बाप कमाने में लगा है, ताऊ चाचा अपने काम में लगे हैं, ताई चाची अपने काम में लगी है, बुआ फूफा अपने काम में लगे हैं, छोटा सा बच्चा दिन भर घर में इधर उधर घूमता फिर रहा है, और घर के लोग आस लगा के बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको पानी देगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमसे प्रेम करेगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको चाहेगी। बचपन में तुम अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहे, सास अपना काम नहीं छोड़ रही, चाचा चाची अपना काम नहीं छोड़ रहे, जब तुम बच्चे को बचपन में प्रेम नहीं दे पा रहे तो बुढ़ापे में बच्चा तुमको भी प्रेम नहीं दे सकता, ये निश्चित है। सुबह 7 बजे का बच्चा स्कूल जाता है, कितने बजे स्कूल जाता है, बोलो बोलो तुम बोलो, 6 बजे 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, 8 बजे स्कूल जाता है, कितने बजे आता है, बोलो बोलो जम के बोलो, है 1-2 बजे आता है, 1 बजे 2 बजे 1.5 बजे 3 बजे 12 बजे जितनी बजे भी बच्चा आता है, सुबह 8 बजे का गया बच्चा 12-1 बजे आता है, 12-1 बजे बच्चा आता है, और आते से ही बच्चा आया, और आने के बाद उसको मम्मी ने बस थोड़ा बहुत खाने पीने का दिया, और मालूम पड़े फिर अपना फिर वापिस वो मोबाइल माँ लेकर अपने कमरे में चली गई, लेट गई, सो गई, अपने कमरे में अपना मोबाइल में मस्त हो गई, बच्चा क्या कर रहा है, दादी अपने कमरे में, दादा
अपने कमरे में, बुआ अपने कमरे में, चाचा अपने कमरे में, चाची अपने कमरे में, ताई अपने कमरे में, और बच्चा दिन भर क्या कर रहा है? अभी आया वो स्कूल से, थोड़ा माँ का फर्ज बनता है, थोड़ा दादी का फर्ज बनता है, थोड़ा चाची का फर्ज बनता है, थोड़ा ताई का फर्ज बनता है, थोड़ा बुआ का फर्ज बनता है कि घर के पुरुष अगर कमाने के लिए गए हैं तो घर की स्त्री उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा का अध्ययन पूछे, क्या पढ़ा, कैसा रहा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई मारे ठोकी तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं, कोई गलत विचार तो नहीं। बच्चा जब गलत करता है तब चिल्लाते हो, पर जब जरूरत है बच्चे को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपका मोबाइल एक तरफ पटक कर थोड़ी देर बच्चों को प्रेम देने का प्रयास करो, आपका घर एक तरफ रखकर बच्चों को थोड़ा स्नेह देने का प्रयास करो। जब वो बच्चा 3-4 बजती है कोचिंग चले जाता है, ट्यूशन चले जाता है, शाम को आता है, सोने का समय हो जाता है, आपको समय देते कहां बच्चों को? आप अगर अपने बच्चे को प्रेम से आधा घंटा भी दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे बुढ़ापे की घड़ी में बच्चा भी तुमको एक घंटा देगा। आप अपने बच्चों को देखा रहे हो? आप अपने बच्चे को प्रेम कहां दे पा रहे हो? और आस लगा के बैठे हो मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी, अरे ओ भिलाई वाली आज की बहू आएगी पति को होटल ले जाए, खुद खाएगी और तेरे को ठेंगा दिखाएगी। हाथ मत रखिए, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो चलेगा पर मानसिक स्थिति ठीक रखिए। धन नहीं है ना तो भी संतुष्ट रहो, और धन है तो भी संतुष्ट रहो, धन है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। हम जिस दिन से पहले दिन से यहां आए हैं भिलाई में कथा करने के लिए, दया सिंह जी जिस समय हमको एयरपोर्ट लेने के लिए गए, एयरपोर्ट से जब हमको लेके आ रहे थे उस समय से लेकर आज तक इनके मुख पे एक ही चीज रटी हुई है, गुरु जी हर साल कथा करने आओ, हम हर साल व्यवस्था करें। ऐसा एक दिन नहीं गया कि इन्होंने इस व्यक्ति ने एक बार भी अगर छोड़ दिया हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया, रोज एक ही बार, गुरु जी सावन का महीना या कोई भी महीना आप दे दिया करो, साल में एक बार हमारे भिलाई वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने का दोबारा से सीखा प्रयास, साधुताया ऐसा प्रयास। एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी तरारी, बड़ी दूर की नारा बड़ी दूर किनारा रे, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा रे, मैंने तुमको पुकारा रे, भोले बाबा ये मेरी बड़ी दूर रे, कश्ती भी पुरानी है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो पर मानसिक स्थिति कमजोर नहीं करना, मानसिक स्थिति कमजोर, समझ में आ रहा है मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, घर में थोड़ा धन की कमी होना चलेगा पर मन की कमी नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति कमजोर नहीं होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं, द्वार पर जो आए वो भूखा, क्या मांगा हमने भगवान से? इतनी कृपा करना कि दरवाजे पर कोई आए तो भूखा ना जाए, इतनी कृपा करना कि द्वार पर कोई आए तो खाली ना जाए, इतनी दया जरूर कर। हमारे बीच में श्री तोषेंद्र साई जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी आए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आकर व्यासपीठ का पूजन करें, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक अपने भीतर एक बलता, एक अपने भीतर एक विश्वास, एक अपने भीतर एक भरोसा, एक दृढ़ता होना चाहिए। बड़ी दूर किनारा भी पूरा
शंभू बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। एक विश्वास अपने भीतर, एक प्रबलता अपने भीतर। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो पर मानसिक स्थिति ठीक होना, मन ठीक रखिए। बेटी ने प्रश्न किया कि कंक्रीट से बना हुआ शंकर का पूजन कर रहे हैं, क्या पुण्य मिलेगा? शास्त्र कहता है भानु, शिवलिंग बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, छोटी सी अवस्था है, खेलने में वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करता है, खेल उसका फल मिलेगा। 2 अगस्त को ऑनलाइन पूरी दुनिया के लोग शाम को 7 बजे शिवलिंग का निर्माण करेंगे। 2 अगस्त को पूरी दुनिया के लोग, पूरा विश्व, देश में क्या विदेश में भी लोग भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आस्था चैनल पर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन होगा, पूरा विश्व तैयारी में जुट गया, 1,00,000 करोड़ों शिवलिंग बनेंगे, करोड़ों शिवलिंग। अब जरा विचार करिए, कहीं कहीं अनुष्ठान होता है 1,00,000 शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है 2,00,000 शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है पार्थिव शिवलिंग का इतना निर्माण करेंगे, पर ये सावन के महीने में जब एक साथ पिछले वर्ष 66 करोड़ लोगों ने शिवलिंग बनाया था, तो अब की बार तो विश्वास कहता है कि कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब इतना शिवलिंग का निर्माण, गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटा गांव बड़ा गांव, चाहे जहां मर्जी पड़ जाए, घर के अंदर 4 लोग 4 बना लिए, 5 लोग 5 बना लिए, मन उनका, उनकी मर्जी। इतना शिवलिंग बनेगा और इतना शिवलिंग का निर्माण होगा, तो जरा विचार करिए, आप जब अपने घर में शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो क्या मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारे घर में आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा क्या? घर में अगर मेहमान आते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा शंकर अगर साल में एक बार सावन की शिवरात्रि को तुम्हारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, खाली नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कुछ कुछ देकर जाएगा। अब वो तुमने बनाया, भानु ने बनाया शिवलिंग, मिटा दिया मिट्टी का, धूल का, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, पुण्य इकट्ठा हो गया उसका, उसका जो पुण्य बड़ा प्रबल होता है शिवलिंग का पुण्य। हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, बन सके तुम कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अपने घर में जो कुंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊंचा उठा लिया करो, शिवलिंग बना लिया करो, उसी की पूजन करके मैं विसर्जन कर, उसका पुण्य कितना है, उसका फल कितना है। एक पत्र, नेहा चौहान, मैं भिलाई, सुपेला, सुपेला है कि सुपेला है? सुपेला, सुपेला से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति का नाम अंकुश चौहान है, गुरुदेव। मेरे पति की आयु 32 वर्ष है, मेरे पति को 27 फरवरी 2024 को उनके सीने में दर्द हुआ, हम लोग घबरा गए, उनको बीएम शाह हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर उनको दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इनको 3 अटैक एक साथ आया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, इनको 3 अटैक एक साथ आ गए और तुरंत इनको ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ेगा, अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, लगभग लगभग इनका जो ऑपरेशन होगा वो 3 से 4 लाख रुपये खर्च होंगे, आप उसकी व्यवस्था करिए। हमने कह दिया आप इलाज चालू करो, हम आते हैं, आप इलाज चालू करो, कागज पर साइन करे, इलाज प्रारंभ हुआ, हम गए, हमारे तन पर जो गहने थे और हमारे घर में जो भी सामान था, हमने हमारे परिचित के यहाँ पर वो दुकान पर जाकर उसको गिरवी रख दिया। 30 मिनट में हम वापस पैसे की जुगाड़ कर हॉस्पिटल पहुँच गए। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इनका बीपी और हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये चलेगा। हमने हमारा पूरा गोल्ड जो भी सामान था वो गिरवे रखकर हम पहुँचे, 30 मिनट हमको लग गए थे, और उतने में डॉक्टर ने कहा कि इनकी बीपी भी काम नहीं कर रहा, हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये शरीर जा चुका है। हमारे पति अंकुश की डेथ हो गई है, वो मर चुके हैं। सारे डॉक्टर आपस में बात कर रहे पर हमसे कोई बोल नहीं रहा कि हुआ क्या, हार्ट बीट काम करना बंद कर दी है। हमने बार बार डॉक्टर से पूछा कि आप बताओ हो क्या रहा, क्या हुआ, और बताए
हमारे कानों में भनक लगी कि हमारे पति चले गए। हमने कहा बाबा अभी रुको, कैसे जा सकते हैं। उसी हॉस्पिटल के नीचे पर शिवजी का मंदिर था, हमें दौड़ी वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाई, शंकर को तुरंत ऊपर जलाधारी में जल पड़ा था उसी को उंडेल दिया, उसी पानी को लेकर आ गई, पति को छीटा, डॉक्टर से कहा मेरा पति इतनी जल्दी मर नहीं सकता, देखो मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र अभी 27 वर्ष की है, मैं 27 साल में विधवा हो जाऊंगी, ये हो नहीं सकता। मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, मेरा विश्वास पक्का करता है मेरा पति नहीं मर सकता, आप एक बार फिर प्रयास करो। जल छीटने पर बेलपत्र रखने पर डॉक्टर फिर उसको एक बार चेक करने के लिए बीपी चेक करने गए तो मालूम पड़ा कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी और बीपी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसको शरीर पर 6 बार शॉट लगाए गए जिससे उसकी सांस वापिस आए, 6 बार जब सांस के लिए उसको शॉट लगाया गया तब उसकी सांस बाहर आई, और बाहर आते से फिर उसको वेंटिलेटर पर रखा, बेलपत्र उसके पास रख दी, फिर वो आईसीयू में आए तब उनकी फिर जांच चालू हुई तो बताया कि इसकी किडनी भी खराब हो गई। होश तो आ गया, मरा हुआ जिंदा तो हो गया पर किडनी भी चली गई। जब उसकी किडनी भी डैमेज हो गई तब डॉक्टर ने कहा आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, फिर हम उनको MMI हॉस्पिटल रायपुर में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी नसें ब्लॉकेज है, किडनी काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि आपको इनको फिर कहीं और ले जाना पड़े। 15 दिन डॉक्टर से कहा कि आप इनका इलाज करिए, मेरा विश्वास कहता है मेरा महादेव वापस लेकर आया है तो इनको ऑपरेशन भी नहीं होने देगा और किडनी भी चालू होगी। तुरंत हमारे रिश्तेदारों को सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, जल तांबे के कलश में गलाकर देना चालू करा, होठों पर 2-2 बूंद जल उसके लगा देते, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने फिर वापस जांच फिर प्रारंभ हुई उसी MMI हॉस्पिटल में रायपुर के, और ऐसी कृपा हुई डॉक्टर ने कह दिया अब इनकी किडनी भी काम करने लगी और इनकी कोई ब्लॉकेज नहीं है, शरीर ठीक हो चुका है, इनको ले जा सकते। ये शिव तत्व। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूं। शिव तत्व, कहीं बेटी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास हम कैसे हार जाए, एक भरोसा हम कैसे हार जाए। अरे भाई शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भोले बाबा सुन भी लो ये। हम कहेंगे जरा विचार करिएगा, इस बेटी से सीखिए कि भरोसा किसको कहते हैं, इस बेटी से सीखो कि विश्वास किसको कहते हैं। अपने कानों से सुन लिया कि अंकुश चौहान, कानों से सुन लिया कि मेरा पति मर चुका है, पर तुरंत शिव पर भरोसा। डॉक्टर क्या, डॉक्टर ने भी कह दिया कि बनती है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु को कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत तो करो, एक विश्वास अपने भीतर जड़ी तो बनाओ। कौन कहता है शिव आते नहीं, यह व्यासपीठ कहती है जिस दिन दिल से पुकारोगे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते, हम कहते हैं अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता, कौन मिलेगा। तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा, भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है सारे दरवाजे पर माथा टेक करा जाना, सारी दुनिया में धक्के खा करा जाना, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो, और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो, शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर देगा। इसके पास नहीं शिव, सर्वस्व शिव है, सर्वस्व, बस दिल से पुकारने वाला चाहिए, सामने आकर खड़ा हो जाए। देखिए एक सुंदर सा, बैंक में पैसा जमा करने की भी लिमिट होती है, सीमा होती है, रोज 50,000-60,000 ATM से पैसा निकालने की भी एक सीमा होती है, नौकरी करने की भी एक सीमा होती है, उम्र की एक सीमा होती है, इतने वर्ष तक फोर्स में जमा हो गए, इतने समय तक तुम फौज में जमा हो गए, इतने समय पुलिस में हो गए, इतने समय इस नौकरी को मिलेगी, इस समय शिक्षक की नौकरी मिलेगी, इस समय ऐसी नौकरी मिलेगी, उम्र की सीमा होती है, नौकरी में उम्र की सीमा है,
बैंक में पैसे की सीमा है? महाराज ऐसी कौन सी जगह है? गाड़ी से जा रहे हो तो रोड पर, रस्ते पर तुम्हारी गाड़ी की भी सीमा है, गति की सीमा है, पैसे की सीमा है, उम्र की सीमा है, नौकरी की सीमा है, हर चीज की एक लिमिट, एक सीमा है। पर मेरे महादेव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, जब चाहो जब प्राप्त, कोई सीमा नहीं। मेरे शिव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं, तो अनलिमिटेड तुम्हारा मर्जी पड़े उतना। जब दुख हो दौड़कर चले जाओ, जब तकलीफ हो दौड़कर चले जाओ, जब कष्ट हो दौड़कर पहुंच जाओ, और केवल कष्ट के समय पर नहीं, रोज जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। रोज रोज क्यों? आप रोज अगर भगवान के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। दुख की घड़ी में जिस महादेव के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है, वो महादेव तेरे दरवाजे पर आएगा, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगा। और महाराज उसको बस जितना दिल से पुकार सकते हो उतना दिल से पुकारो, उतना आप उसको भजोगे वो मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, भानु शिव तत्व को प्राप्त करता है। एक दिन भानु जा रहा था रास्ते से, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर मिट्टी के ढेले पर शिव को समझकर चढ़ा रहा था, और उसी मिट्टी के ढेले में से मेरे महादेव प्रकट होकर उस भानु को दर्शन देते, उसी मिट्टी के ढेले। मेरा जीजी से निवेदन है, जो कर रही है कांक्रीट का शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, हमारे यहाँ शिवलिंग नहीं है, हमने बना लिया, क्योंकि लोग दूसरी जगह जाना चालू कर दिए थे, लोग दूसरी जगह जा रहे थे, तो हमने सीमेंट का बना लिया अपने पेड़ के नीचे, जनता मत जल चढ़ा रही, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, यहां तो शास्त्र कहता है कि आसमान में देखकर भी शिवलिंग का तुमने मन से निर्माण कर लिया तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। तुम जिसका शिवलिंग बनाओगे शंकर शंकर प्रकट होगा, प्राप्त होगा निश्चित है। क्यों नहीं मिले? वो आप लोग कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता रे, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता रे। अरे हो के नंदी पैसा वाली, सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पैसावार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पैसावार, बड़े भाव से काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पैसावार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पैसावार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। बस
कैसे मीरा माए देखो डबरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डबरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप सजाए। गले में है सरगो का ओ गड्डी पे सवार, काशीगिरी से आए तेरे बोले ना तुझे भक्तों की बूटा। ओ गड्डी पे सवार काशीगिरी से आए तेरे बोले ना। Yeah.
बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला होने रूप सजाए बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला होने रूप सजाए गले में है सर को पार वो बेटी में सवार काश नगरी से आए मेरे भोले का कितने भक्तों की भोपा वो बेटी